मैं आह्वान करने के लिए आया हूं, आह्वान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास आया। मित्रों, झारखंड की जनता की चाहत है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता की भावनाओं के अनुरूप संघर्ष करने के लिए अब सड़कों में उतरा है दोस्तों, सड़कों में। और इस सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे दोस्तों, चैन से बैठने, क्योंकि यह सरकार अपने हित के लिए बनाई हुई सरकार है, जहां पर एक वर्ष के अंदर 1300 ट्रांसफर और पोस्टिंग किए गए, और 1300 ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए किए गए कि ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हम उद्योग के रूप में अधिक से अधिक पैसे अर्जित करें। जब बीडीओ साहब पैसे दे करके आएंगे, जब सीओ साहब पैसे दे करके आएंगे, जब थानेदार पैसे दे करके आएगा, डीएसपी पैसे दे करके आएगा, एसपी पैसे दे करके आएगा, इंजीनियर पैसे दे करके आएगा, तो उस पैसे को किससे असूलेगा दोस्तों? वो जनता की गाड़ी कमाई से असूलेगा दोस्तों। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करने के लिए भी खड़ा हूं आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस संघर्ष का पांच जन कार्यकर्ताओं ने फूंक दिया है, शंखनाद कर चुका है यहां के कार्यकर्ताओं ने। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती है दोस्तों। यह सरकार अपने करनी से और अपने भ्रष्टाचार से 5 साल तो छोड़ दीजिए, 1 साल के अंदर आपके संघर्ष के कारण यह सरकार गिरेगी दोस्तों। मैं जानता हूं पार्टी के विधायकों के बीच में अंतर विरोध है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंतर विरोध है, पार्टी के मंत्रियों में भी अंतर विरोध है, मुख्यमंत्री जी के परिवार में भी अंतर विरोध है। यह अंतर विरोधों की सरकार चल रही है, और अंतर विरोध में लंबे समय तक शासन नहीं चलता है दोस्तों। इन्हों शब्दों के साथ हम अपनी वाणी, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।